हेलो फ्रेंड, हेलो टी गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास सोनी का है जो कि चाइना टीवी है, जो कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये बर्निंग प्रॉब्लम देख सकते हैं, लाल, ये ग्रीन और ब्लू, ये आता है प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि ये बर्निंग हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये कभी लाल वाइट इसमें पिक्चर नहीं आता, इसमें जो प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें आपको दिखा देते हैं। ये मेरा कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है, जो कि मैंने इसमें नया बोर्ड इंस्टॉल किया, पर इसमें बर्निंग प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए फ्रेंड, इसे आप इसलिए आप ठीक कर सकते हो, वो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में आप इसे ठीक कर सकते हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको डरना नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे। तो देख सकते हैं, ये मेरा यूनिवर्सल बोर्ड का नंबर है TP53L52.5। ये मेरा बोर्ड नंबर है, ये मेरा देख सकते हैं ये पैनल का नंबर है। ये जो प्रॉब्लम जो होता है फ्रेंड, ये है रेगुलेशन इसका, जो होता है कि बढ़ जाता है, जो कि इसका रेगुलेशन होता है 19, 20, 10, 80 हो जाता है रेगुलेशन। इसके वजह से ये बर्निंग प्रॉब्लम होता है, ये RGB हो जाता है। और इसका प्रॉब्लम फ्रेंड देख सकते हैं, इसका जो अति होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। इसका कॉम्बो का है, बोर्ड का है, ये स्क्रीनशॉट है। आप इसे देख के आप इसको कोड डालना होगा, आपको कोड डालना होगा Input 0772। तो उसके बाद फ्रेंड ये थोड़ा देर के लिए बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑन होगा, तो आपको इसमें ए भी दिखने लगेगा। देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑन होने के बाद टीवी ए भी पाल आने लगा। तो देख पा रहे जैसे कि पहले इसमें कुछ नहीं आ रहा था, नो सिग्नल कुछ नहीं आ रहा था, मैंने बस Input 03772 डाला, तो ये मेरा ठीक हो गया। तो देख सकते हैं, मैंने इसे AB1 करके उसके बाद, तो उसके बाद हम इसको हम चेंज करके उसके बाद आपको दिखाते हैं कि AB में लगा के, आपको मेरा AB2 में लगाने के बाद देख सकते हैं नो सिग्नल आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।